टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स हो रही हैं, उस तरह मेडिसिन भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। ऑर्थोपेडिक्स इज बेसिकली मेनली टेक्नोलॉजी। किसी टाइम तो ऑर्थोपेडिक सर्जन असं कारपेंटर्स के नाल इक्वेट करते सीगे, एग्जीक्यूट करते हैं, उसके वास्ते कंप्यूटर्स आए, उस तो बाद हुन रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुई है। तो रोबोट्स हैं कुछ सालों तो US और यूरोप के यूज़ हो रहे थे, इंडिया के टेक्नोलॉजी सानू लिया फोर्टिस के साल हो गया। जिस तरह लोग तरक्की कर रहे हैं, जमाना तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी भी अगे बढ़ रही है। आम तौर पर असं देखते हैं कि नी रिप्लेसमेंट की जिहड़ी सर्जरीज होंदी हैं या हिप रिप्लेसमेंट की जिहड़ी सर्जरीज होंदी हैं वो डॉक्टर्स करते हैं, माहिर करते हैं, लेकिन हुण इहदे विच भी टेक्नोलॉजी का जिहड़ा तालमेल बनिया ते हुण टेक्नोलॉजी आ गई है कि हुण आने वाले समय के रोबोट भी सर्जरी करया करेगा। ठीक सुनिया तुसीं भी रोबोट के थ्रू हुण तुहाडी सर्जरी होएगी। इस मैटर ते गलबात करन दे लई साडे नाल मौजूद है फोर्टिस हस्पताल दे डॉक्टर संजीव महाजन जी, जिहड़े ऑर्थोपेडिशियन हैड ने, इत्थे ते गलबात कर लैंदे आ। सर, किस तरह लग्या भी ये इंट्रोड्यूस किया जाए रोबोटिक सर्जरी नूं, किस तरह नॉर्मल सर्जरीज तो यह डिफरेंट है रोबोटिक सर्जरी? टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स हो रही हैं, उस तरह मेडिसिन भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। ऑर्थोपेडिक्स इज बेसिकली मेनली टेक्नोलॉजी। किसी टाइम तो ऑर्थोपेडिक सर्जन असी कारपेंटर्स के नाल इक्वेट करते सीगे। सो बेसिकली काम साडा कारपेंटरी है, पर इट इज़ अ साइंस। सो ये जिहड़ी साइंस है इसनों असी किन्ना प्रिसाइजली एग्जीक्यूट करते हैं, उसके वास्ते कंप्यूटर्स आए, उस तो बाद हुन रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुई है। सो रोबोट्स हैं कुछ सालों तो US और यूरोप के यूज़ हो रहे थे, इंडिया के टेक्नोलॉजी सानू लिया फोर्टिस के साल हो गया। फोर्टिस हमेशा ही नवी टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी ग्रहण करता है और अपने सर्जनस हैल्प करता है उस टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने वास्ते और पेशेंट्स बेनीफिट दिलाने वास्ते, बिकॉज अल्टीमेटली ऑर्गनाइजेशन और डॉक्टर का इंटरस्ट होंगे है पेशेंट सेंट्रिक। पेशेंट्स असी किस तरह बैटरमेंट कर सकी, रिजल्ट्स किस तरह बैटर कर सकी। अगर इंडिया के टेक्नोलॉजी आए और फोर्टिस क्यों ना आए, फोर्टिस पिछे नहीं रहना चाहता। एज ए सर्जन हमेशा ये इंटरस्ट रहेगा कि थोड़े पेशेंट्स जो है उन्होंने बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी मिले एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। सो कि मेन सर्जरीज है जी रोबोट के थ्रू की जाएगी, तो इन इंट्रोड्यूस किया गया, टाइम की बचत होगी इसको लेकर? इसनों इंट्रोड्यूस इस करके किया गया है कि असी जो चीज़ कर रहे हैं वो रिजल्ट्स बैटर हों। टाइम जो है वो अल्टीमेटली ये चीज़ मैटर नहीं करती कि टाइम कितना लगेगा, 5 मिनट घट लगे या ज़्यादा लगे, डजंट मैटर। अगर पेशेंट दी जो असी जॉइंट रिप्लेस कर रहे हैं पेशेंट का, जिदे वास्ते मेनली टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है इस दी रेट्स ऑर्थोपेडिक्स, अगर वो जॉइंट की लाइफ बच जाती है, अगर असी 5-7 मिनट एक्स्ट्रा भी लगा लिए सर्जरी, तो इट इज़ वर्थ इट। सो बेसिकली ये प्रोसीजर इंक्रीज़ कर रहा है, ये एक्यूरेसी इंक्रीज़ कर रहा है। बेसिकली ये जॉइंट रिप्लेसमेंट ली रोबोट जो है अप्रूव्ड हैं हले, जिदे विच नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, टोटल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, पार्शल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट और हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। मेनली सर की डिफरेंट है इहदे विच जो नॉर्मल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी दे विच देखन नूं मिलदा? रोबोटिक सर्जरी दे विच पेशेंट नूं जिहड़ा असी इम्पलांट फिट करते हैं बॉडी के अंदर, जॉइंट के अंदर, वो इम्पलांट की प्रसीजन बच जाती है। वह मतलब है कि असी किन्नी बोन कटनी है, वो किस तरह लिगामेंट बैलेंस करने है, वह किन्ना सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ करना है, ये बहुत प्रिसाइज हो जाता है। ये जो असी करते हैं तो ये ब्लड लॉस घट जाता है, पेशेंट की जी लिगामेंट जो बैलेंस होंगी है, वो अलाइनमेंट बैटर हो जाती है, तो पेशेंट की रिकवरी है बहुत फास्ट होंगी है। पेशेंट नूं फिजियोथेरेपी की जरूरत पैंती है, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कट जाता है, पेशेंट का गोइंग बैक टू वर्क वो टाइम कट जाता है। लंबे समय तो इस फील्ड के है एज एन सर्जन, सर भी जो रोबोट हूँ सर्जरी करेगा कि कॉन्फिडेंस लोग आएंगे इस लैके भी रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं? ये रोल सर्जन का भी है और आई थिंक ये रोल मीडिया का भी है। अगर ये किसी तरह से तुम्हें कन्वे कर सके कि ये चीज़ इस तरह है और इस तरह काम करेगी, जिसे सर्जन भी सर्जरी करेगा, लेकिन रोबोटिक जो आम है या रोबोटिक सिस्टम जो है वो पेशेंट दी कैलकुलेशंस करके पेशेंट नू किन्ना असी कट करना है, जिहदी सर्जरी दी प्लानिंग करनी है, जिहड़ी असी पेन और पेपर नाल करदे सी उहनू कंप्यूटर्स नाल कर रहे हैं और उहदी एग्जीक्यूशन रोबोटिक हैल्प नाल कर रहे हैं। सो ये असी पहले असी तुहानू कन्विंस करना चाहते हैं कि तुसी अगर कन्विंस हो गए, डेफिनेटली यू विल टेल यूर पब्लिक और लोग तुहानू सुनणगे और असी भी, साडे कोल जो पेशेंट आएगा असी उहनू समझावांगे। और टू योर सरप्राइज एंड माई सरप्राइज ऑलसो, जनवरी ऑनवर्ड्स जिन्नियां सर्जरीज हुई आई कैन ईजीली से कि 95% पेशेंट्स रोबोटिक ऑप्ट कर रहे हैं जिन्होंने असी समझाने, क्योंकि ये बेनीफिट्स ही रहे हैं। और रिजल्ट्स वाइज मैं अपने पेशेंट्स को अगर कंपेयर करा तो दीज रिजल्ट्स आर मच मच बैटर। सर जी नॉर्मल सर्जरी च टाइम लगता जॉइंट रिप्लेसमेंट च, और ये कि समा लगेगा और कोस्ट में भी कुछ बढ़ोतरी की?
अप्रोक्सीमेटली प्लैनिंग 10-15 मिनट एक्सट्रा लगते हैं, पर पेशेंट कोई लॉस नहीं क्योंकि पेशेंट की कोई हले सर्जरी स्टार्ट नहीं हुई, असी प्लैनिंग टाइम से लगाने। और कॉस्ट मैं पहले भी दसिया कि कॉस्ट हॉस्पिटल ने वधाई नहीं है इस सर्जरी की, सिर्फ कंज्यूमेबल्स जो यूज़ होते हैं ड्यूरिंग सर्जरी वो कॉस्ट जरूर पेशेंट नू बीयर करनी पेगी, बट दैट इज़ अ वेरी लैस अमाउंट एज फार एज़ अ बेनीफिट आर कंसर्न। लोगों किस तरह तुम कॉन्फिडेंस लाओगे कि एक डॉक्टर के थ्रू जाना और एक रोबोटिक सर्जरी के थ्रू जाना, उन्होंने की सुनेहा देना चाहूँगा कि डरन की लड़ है या नहीं है, या फिजियोथेरेपी कितनी देर तक चलेगी? नहीं, पेशेंट असं कन्विंस करते हैं, पेशेंट असं बेनीफिट्स दसते हैं, पेशेंट से वीडियोज़ दिखाने, पेशेंट को टेक्नीक समझाने कि किस तरह एग्जीक्यूशन होएगी, किस तरह सर्जरी होएगी। एंड अज की डेट से पेशेंट बहुत लर्नड है, वो इंटरनेट गूगल करके आता है साढ़े को, पता है कि हाँ जी अगर यूएस से बेस्ट सर्जरी है तो इंडिया से असं क्यों नहीं कराइए। अगर यूएसए की कॉस्ट इस सर्जरी की देखिए तो $15,000 एक साइड की है, इतने तो असी पीनट्स कॉस्ट ही कर दें। सो ये सन डॉक्टर संजीव महाजन जो लंबे समय तो एज अ सर्जन काम कर रहे हैं, काफ़ी जेडे ओर्थो दे नाल रिलेटेड जिन्हें भी पेशेंट्स ने उन्होंने ठीक कर चुके हैं, लेकिन हुण टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर चुकी है, इन्हां दे नाल हुण रोबोट भी सर्जरी करेगा, तो नाल दी नाल जिहड़ी आफ्टर सर्जरी फिजियोथेरेपी हुंदी है या होर जिहड़े लंबा समा जिसनूं लगता है उहदे विच भी काफ़ी कमी देखण नूं मिलेगी, तो तुसीं अपने आप नूं सिक्योर पूरे तरीके दे नाल अपने आप नूं रख सकते हो। कैमरा परसन बॉबी काटिया दे नाल वरुण सगर, दैनिक सवेरा टीवी लुधियाना। All World Open Challenge 17 time gold medalist Mia Rafiq Mohammed, Pandit Maulvi Begum Tantrik, inna chora thagga to savdan, specialist Vashikaran Satta number love marriage, pati patni ch anban, videsh ch pakka hona, karobar da na chalna, sirf 31 ghantiyan vich samadhan, free Mia Rafiq Mohammed mobile 84374 94648 84374 94648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।